और हुकूमत के सामने कोरोना के साथ साथ माशी चैलेंजेस भी हैं। मुश्किल वक्त में लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। तमाम तर काविशों का मकसद अवाम को वबा से तहफ्फुज़ फराहम करना है। अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत अपनी बिसात के मुताबिक फैसले कर रही है। मावन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमत सहाफियों की तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने के लिए कोशां है। तमाम वजारतों को मीडिया के बकायाजात अदा करने की ताकीद की गई है। कोरोना से बचने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अपने अवाम को जो इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है, जो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है, जो तकलीफ में मुबतला है, हम उसको इस मुश्किल महाज पे ला तल्लुक हो के तनहा छोड़ नहीं रहे। हम सब सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उनके इस दर्द में, इस दुख में बराबर के शरीक हैं। जो मीडिया वर्कर्स की सैलरीज और उनके ड्यूज के इश्यूज हैं, उनको जो आप पेडेंसीज मीडिया हाउस की क्लियर करने जा रहे हैं, उसमें उनको हिस्सेदार बनाएं और इंश्योर करें कि सैलरीज मीडिया वर्कर्स तक वक्त पे पहुंचे।